हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट गुरु क्लासेस। तो आज हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का माइंड मैप देखेंगे। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का अगला चैप्टर है। इसके पहले जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स थे, जैसे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और रेस्पिरेशन वाला, उनके भी माइंड मैप मैं बना चुका हूँ, तो उसको आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसका माइंड मैप देख सकते हैं। तो आज हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ये चैप्टर हमारा हार्ट और ब्लड के बारे में ज़्यादातर रिलेटेड है। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट हैं पूरे चैप्टर के अंदर और जितने भी फैक्ट हैं सारे मैंने माइंड मैप में रख रखे हैं, तो आपको एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और अगर आपको तैयार नहीं है चैप्टर तो चैप्टर तैयार भी हो जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ वैसा हूँ। ठीक, बाकी इसके बाद जो पीडीएफ है वो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो लिंक पे क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, अच्छा पहले माइंड मैप देख लिया करिए, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करिए, क्योंकि अगर बिना माइंड मैप के आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आप उसमें आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होने वाली है। ठीक, तो इसी वजह से पहले पढ़ लिया करिए। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें बहुत आसानी तरीके से रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बार अगर आप मेरे साथ पढ़ लेते हैं तो ये पीडीएफ पूरा याद हो जाता है आपको। ठीक, बाद में रटना नहीं पड़ता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और शुरुआत यहाँ से करेंगे। ठीक है, ब्लड से। तो जो हमारा ब्लड है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। 55% ब्लड का प्लाज्मा होता है और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। प्लाज्मा जो होता है ये 90 से 90% वाटर होता है, 90 से 92% वाटर होता है। ठीक, यानी प्लाज्मा जो होता है उसका 90 से 92% पानी होता है, 6 to 8% प्रोटीन होता है, बाकी 1-2% बचा, उस 1-2% में मिनरल, न्यूट्रिएंट और क्लॉटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक, तो ये याद रखना है कि आपको ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का 90 से 92% पानी होता है और 6 से 8% प्रोटीन होता है। ठीक, ये डेटा याद रखना है। जो प्रोटीन होते हैं ब्लड में पाए जाने वाले, तीन तरह के होते हैं, या फिर कह लीजिए प्लाज्मा में पाए जाने वाले। ठीक, तो प्लाज्मा में तीन तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजेंस, ग्लोबुलिंस और एल्ब्यूमिन्स। फाइब्रिनोजेंस जो होते हैं ये क्लॉटिंग करने में हेल्प करते हैं, यानी ब्लड की क्लॉट करने में, क्लॉट मतलब जमने में। ठीक, जो खून हमारा जमता है वो उसमें फाइब्रिनोजेंस का काम होता है। दूसरा ग्लोबुलिंस, ग्लोबुलिंस जो होते हैं डिफेंस का काम करते हैं, ठीक, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होते हैं ये ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखते हैं। ठीक, तो ये तीन प्रोटीन हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं और ये तीनों नीट में पूछे जा चुके हैं। तो ठीक है, याद रखिएगा, फाइब्रिनोजन जो होता है क्लॉटिंग कराता है, ग्लोबुलिन डिफेंस कराता है और एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक, अब आपको पता है यहाँ प्लाज्मा में मैंने दिखाया कि क्लॉटिंग फैक्टर भी आ जाता है। ठीक, सीरम क्या होता है, प्लाज्मा में से अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दें, यानी आपको सिर्फ पानी, प्रोटीन और मिनरल न्यूट्रिएंट्स बचे, क्लॉटिंग फैक्टर ना रह जाए उसमें। ठीक, तो प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर को आप हटा देंगे तो उसको सीरम कहेंगे। ठीक, तो आप इस पॉइंट को इसी तरह याद रखिएगा, सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, तो ये आसान होगा याद रखने में। ठीक, तो प्लाज्मा में से हम क्लॉटिंग फैक्टर हटा देते हैं तो सीरम जो बचता है उसे हम सीरम कहते हैं। ठीक, अब आते हैं हमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे। ठीक है, प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ लिया, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में पढ़े। फॉर्म्ड एलिमेंट तीन तरह के होते हैं, पहला है एरिथ्रोसाइट जिसको आरबीसी कहा जाता है, दूसरा है ल्यूकोसाइट जिसको डब्ल्यूबीसी कहा जाता है, और तीसरा है प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक, तो पहले एरिथ्रोसाइट को पढ़ते हैं। एरिथ्रोसाइट का नंबर क्या होता है, एक मिनट मैं पीछे से ये दोनों पेजेस हटा देता हूँ। ठीक, इसको पहले आगे रखते हैं, आप सही है। तो जो इरिथ्रोसाइट होता है इसको आरबीसी भी कहते हैं। इसका नंबर कितना होता है, 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, यानी 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में 5 से लेकर 5.5 मिलियन तक आरबीसी पाई जाती है। ठीक, फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, ये कहाँ बनती है, रेड बोन मैरो में। ठीक, बोन में मैरो होती है, मैरो मतलब समझ लीजिए खोखली बोन्स होती है, जो लॉन्ग बोन्स होती है उनमें पाई जाती है। ठीक, उसमें बनती है, फॉर्म होती है। तो फॉर्म ने रेड बोन मैरो, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, हैव हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कितना होता है 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ब्लड में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट डेटा याद रखिएगा। लाइफ स्पैन आरबीसी की 120 दिन होती है और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लेन होता है। ये दोनों पॉइंट नीट में पूछे जा चुके हैं, तो ये दोनों पॉइंट फिर इंपॉर्टेंट है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लेन क्यों होता है, क्योंकि स्प्लेन में जाके आरबीसी डिसरप्ट होती है, खत्म होती है। ठीक, तो इसलिए ग्रेवयार्ड मतलब होता है, ग्रेवयार्ड मतलब जिसमें लोगों को दफनाया जाता है, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। तो जो ग्रेवयार्ड होता है आरबीसी का, उसे वो स्प्लीन को कहता है, क्योंकि स्प्लीन में जाके आरबीसी जो होती है डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है,
ग्रेवयार्ड की हिंदी अभी मुझे याद नहीं आ रही, कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड को कब्रिस्तान बोलते हैं। ठीक, और फॉर्म एलिमेंट में दूसरे नंबर पे है ल्यूकोसाइट। ठीक, आरबीसी के बारे में आपने पढ़ लिया, आप डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़िए। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, कितनी होती हैं, 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब, बहुत कम होती हैं। ठीक, तो 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसी पाई जाती है हमारा 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में। ठीक, अब जो डब्ल्यूबीसीज होती है इनका क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीट में आ चुका है। ठीक, तो इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। डब्ल्यूबीसी दो तरह होती है, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट होती हैं ये तीन तरह होती हैं, बेसोफिल, ओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। ठीक, बेसोफिल जो होती है 0.5 से 1% के आसपास होती है, ओसिनोफिल 2 से 3% के बराबर होती है, न्यूट्रोफिल, सॉरी एक्चुअली मोबाइल हैंग कर गई थी तो इसको फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ग्रेनुलोसाइट हम पढ़ रहे थे, ये तीन तरह के, बेसोफिल, ओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। बेसोफिल होती है 0.5 से 1%, इओसिनोफिल जो होती है 2 से 3% होती है, न्यूट्रोफिल जो होती है 60 से 65% होती है। ठीक, ये तो ये आपको याद रखना है। फिर लिम्फोसाइट जो होती है 20 से 25% होती है, मोनोसाइट 6 to 8% होती है। अब ये जो परसेंटेज दिए गए हैं ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि नीट में ये पूछे गए हैं। ठीक, तो ये परसेंटेज आपको एनसीईआरटी में दिए हैं सारे, ये आपको याद होने चाहिए। दूसरी चीज आपको ये याद रखना है सबसे कम कौन सी होती है, सबसे ज्यादा, जैसे न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती है 60 से 65%, सबसे कम बेसोफिल होती है 0.5 से 1%, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए सबसे कम सबसे ज्यादा क्या होती है। ठीक, अब दूसरी चीज आपको ये भी याद रखना है कि सीक्वेंस क्या है, स्मॉल से बड़ा या फिर बड़े से छोटे तक, जैसे सबसे कम बेसोफिल, फिर उससे ज्यादा उससे ज्यादा इओसिनोफिल, इओसिनोफिल से ज्यादा मोनोसाइट, मोनोसाइट से ज्यादा लिम्फोसाइट, उसके बाद न्यूट्रोफिल। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि इन्हीं तीन बेसिस पे, मतलब इस टॉपिक से इन्हीं तीन बेसिस पे क्वेश्चन आए हैं। ठीक, अब ये जो नीचे तीनों लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लिखा है फैगोसिटिक, फैगोसाइटोसिस करती है कौन, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो होती हैं ये फैगोसाइटोसिस करती हैं, ये याद रखना है। बेसोफिल, बेसोफिल क्या करती है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपरिन को सिक्रीट करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपरिन को सिक्रीट करती है जो कि इन्वॉल्व होती है किसमें, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में। इन्फ्लामेशन मतलब जलन जहां पे होती है। ठीक, तो बेसोफिल का जो काम होता है वो इन्फ्लामेशन के एरिया पे होता है। ठीक, तो हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन है, ये दो तीनों जो कंपाउंड्स हैं ये इन्फ्लामेशन को खत्म करते हैं। ठीक, अब आता है इओसिनोफिल, इओसिनोफिल क्या आते हैं, रेसिस्ट एलर्जी। अब ये दोनों क्वेश्चन भी नीट में आ चुका है, इओसिनोफिल वाला तो 2-3 बार आ चुका है। ठीक, तो इओसिनोफिल जो होती है एलर्जी को रेसिस्ट करती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इओसिनोफिल रेसिस्ट एलर्जी। ठीक, तो ये हो गया ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी। ठीक, अब फॉर्म एलिमेंट तीसरे पे आते हैं, तीन थे हमारे पास ऊपर, आरबीसी हमने पढ़ा, फिर ये डब्ल्यूबीसी पढ़ा, अब आते हैं प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स जो होते हैं इनको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, ये मेगा कैरियोसाइट से बनते हैं, फॉर्म फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट नाम की सेल्स होती हैं, उन्हीं से प्लेटलेट्स बनते हैं। ठीक, 1.5 to 3.5 लाख पर mm क्यूब, ये 1.5 लाख से 3.5 लाख के आसपास होती हैं पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड में। ठीक है, और ये इनका काम क्या होता है, हेल्प क्लॉटिंग ब्लड, ये ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करती हैं। ठीक, तो जहां पे प्लेटलेट्स कम होंगी वहां पे ब्लड का लॉस ज्यादा होगा क्योंकि क्लॉट नहीं बन पाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो हमने ये भी पढ़ लिया, ठीक है, फॉर्म एलिमेंट्स में हमने आरबीसी पढ़ा, डब्ल्यूबीसी पढ़ा, प्लेटलेट्स पढ़ लिया। अब इधर आ जाते हैं ब्लड ग्रुपिंग पे। अब आपको दिख रहा होगा सही से, जो ब्लड ग्रुपिंग होती है ये दो तरह की हमने की है, एक एबीओ सिस्टम से, एक आरएच सिस्टम से। एबीओ सिस्टम से बहुत कॉमन है, ये आपको पहले मतलब ज्यादा अच्छे से आनी चाहिए। एबीओ सिस्टम जो होता है इसमें दो तरह के ब्लड, 4 तरह के ब्लड ग्रुप बन सकते हैं, ए बी, ए बी और ओ। अब जो ए बी होता है उसको हम यूनिवर्सल रेसिपियंट कहते हैं, रेसिपियंट मतलब ले सकता है। ए बी जो होता है ब्लड ग्रुप, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। ठीक, मतलब जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल रेसिपियंट कहा जाता है। अब क्यों यूनिवर्सल रेसिपियंट है, क्योंकि नो एंटीबॉडी, क्योंकि इस पे कोई भी एंटीबॉडी जो ए बी की आरबीसी होती है उस पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, तो ये जो नो एंटीबॉडी लिखा है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नीट में ये पूछा जाता है और टेस्ट सीरीज जो भी आप देंगे उस सब में आएगा कि ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों होता है, क्योंकि उसकी आरबीसी पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। दूसरा पॉइंट यही चीज, इसी के जस्ट अपोजिट पॉइंट ये वाला, ये तो बहुत बार पूछा आया है। ओ जो होता है, ओ ब्लड ग्रुप, ये यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी ये किसी को भी दे सकता है, क्यों, क्योंकि इस पे कोई एंटीजन नहीं पाई जाती। ठीक, यानी जिस इंसान के ब्लड में, जिस इंसान का ब्लड ब्लड ग्रुप ओ होगा उसकी आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाएंगे।
तो ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर क्यों है, क्योंकि एंटीजन नहीं है। ए जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों है, क्योंकि एंटीबॉडी नहीं है। तो ये आपको दोनों पॉइंट ए बी और ओ का याद रखना है अच्छे से, ठीक। अब आते हैं आर एच पे। आर एच के बेसिस पे दो तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, आर एच पॉजिटिव, आर एच निगेटिव। आर एच का एक केस आपको याद रखना है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस क्या होता है कि ये देखा जाता है प्रेग्नेंट मदर जब आर एच निगेटिव हो और फीटस जो होता है वो आर एच पॉजिटिव। अगर ये केस हुआ तो जो सेकेंड प्रेगनेंसी होती है उसमें ये केस देखा जाता है एरिस्टोब्लास्टोसिस फीटसिस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फीटस कैन सफर, फीटस को क्या हो सकता है, एनीमिया और जॉन्डिस जैसे खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, ठीक। फीटस यानी जो बेबी मदर के अंदर है, ठीक। तो उसको एनीमिया और जॉन्डिस जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, ठीक। अब इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्यों कहते हैं, क्योंकि एरिथ्रो मतलब होता है आरबीसी से रिलेटेड, ठीक। तो आरबीसी यहाँ पे वो होती है, रप्चर कर जाती है, आरबीसी खत्म होने लगती है धीमे धीमे, तो इसी वजह से इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तो ये होगी हमारी ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। अब नीचे आते हैं कोआगुलेशन पे। कोआगुलेशन वो ब्लड मतलब ब्लड का जमना, कैसे जमता है ब्लड, क्लॉट के थ्रू। क्लॉट क्या चीज होती है, फाइब्रिन प्लस ट्रैप्ड डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इसमें दो चीजें होती हैं, फाइब्रिन एक तो होता है, फाइब्रिन क्लॉट बनाने में हेल्प करता है। दूसरी चीज, फाइब्रिन जो होता है वो ट्रैप कर लेता है किसको, डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये जो अगर डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहीं पे हैं तो उनको ट्रैप कर लेगा और उसी से क्लॉट बनाएगा, ठीक। तो क्लॉट में दो चीजें होती हैं, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे ये दो दो चीजें याद रखनी है। जो फाइब्रोनोजेन होता है इसको, यहाँ पे एक्चुअली थ्रोम्बिन लिख दिया था गलत है, यहाँ पे पेन भी नहीं चल रही, एक सेकेंड। जो फाइब्रिनोजन होता है इसको थ्रोम्बिन जो होता है इस पे फाइब्रिनोजन पे काम करता है और इसको फाइब्रिन में बदल देता है, FIBRIN, फाइब्रिन में, ठीक है। अब जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ये थ्रोम्बोकाइनेज इस पे काम करता है और थ्रोम्बिन में बदल देता है। तो दो रिएक्शन आपको याद रखनी है, और ये जो थ्रोम्बिन वाली रिएक्शन है ये अभी पूछी गई थी इस बार नीट में, यानी 2021 में, जो अभी आपने एग्जाम दिया परसों नरसों जो भी हुआ। तो फाइब्रिनोजन जो होता है वो थ्रोम्बिन मतलब फाइब्रोजन होता है वो थ्रोम्बिन जो होता है एंजाइम होता है ये फाइब्रिनोजन पे एक्ट करता है, उसको फाइब्रिन में बदलता है। और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये इस पे थ्रोम्बोकाइनेज हेल्प एक्ट करता है और थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है, ठीक। ये थ्रोम्बिन वाला क्वेश्चन आया था, ठीक, नीट 2021 में। तो ये दोनों रिएक्शन आपको याद रखनी चाहिए, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन पे एक्ट करता है, थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है प्रोथ्रोम्बिन पे एक्ट करता है। अब यहाँ पे नीचे एनसीईआरटी ने सिर्फ एक लाइन लिखी कि कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम आयन यानी Ca+2, कैल्शियम आयन जो होता है इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग, इसका क्लॉटिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक। और ये पूछा भी जा चुका है, तो ये मतलब ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पहला पेज था हमारा, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, फिर सीरम पढ़ा, फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, फिर ब्लड ग्रुपिंग पढ़ी, फिर क्लॉट पढ़ा। अब हम आगे बढ़ेंगे और सेकंड पेज को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पेज है और शुरुआत करेंगे इसकी लिंब से, उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा, हाँ अब दिखेगा। तो ये सेकंड पेज है और शुरुआत होती है इसकी लिंब से। अब जो लिंफ होता है, लिंफ को टिश्यू या इंटरस्टीशियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक। लिम्फ कैसे बनता है, ब्लड माइनस वाटर एंड स्मॉल ब्लड प्रोटीन एंड इस सम वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, यानी जो ब्लड होता है उसमें से कुछ वाटर, अब वाटर निकलेगा तो वाटर में जो सॉल्युबल चीजें हैं, वाटर में जो घुल जाती हैं वो चीजें निकलेंगी, यानी सम वाटर सॉल्युबल और स्मॉल प्रोटीन, ये तीनों चीज ब्लड से निकल के अलग हो जाता है। तो ब्लड में क्या बचेगा, स्मॉल प्रोटीन्स निकल गए, पानी निकल गया, पानी की चीजें भी निकल गई, तो ब्लड में क्या बचेगा, बड़ी प्रोटीन्स बचेंगी जो कि बिग होंगी। दूसरी चीज क्या बचेगी, हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यानी फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये दोनों चीजें ब्लड में बची रहेंगी, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्लड में से जब वाटर, सम वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस और स्मॉल प्रोटीन निकल जाती है तो उससे लिम्फ बनता है, ठीक। लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये टिश्यू के बीच में बनता है, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा फंक्शन क्या होता है लिम्फ का, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस बिटवीन सेल एंड ब्लड एंड सेल, ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को और गैसेस को एक्सचेंज करता है ब्लड और सेल के बीच में।
अगला पॉइंट है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ये वापस जो जो जैसे एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज होने के बाद लिम्फ का काम हो गया। अब जब लिम्फ का काम हो जाएगा तो ये लिम्फ को वापस क्या करेगा, वेंस में ले आकर डाल देगा। तो लिम्फेटिक सिस्टम ड्रेन्स लिम्फ बैक इनटू वेन, ठीक, वेन में डाल देगा। लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है हेल्प इन इम्यून रिस्पॉन्सेज, ये इम्यूनिटी में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है, ठीक। तो ये लिम्फ के बारे में था। अब आते हैं टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, हार्ट जो होता है उससे बड़ी वेसल्स होती हैं, यानी बड़ी आर्टरी, बड़ी वेंस जो होती हैं उनमें ब्लड जाएगा, फिर उन ब्लड जो ब्लड वेसल में जाया है उससे आगे बढ़ के डायरेक्ट साइनस में चला जाएगा। साइनसेस क्या होते हैं, खाली स्पेस, खाली जगह होती है, ठीक है। जैसे एक कटोरा समझिए, एक कटोरा बन जाएगा, उसी कटोरे में ब्लड भर जाता है बस, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा कॉम्पैक्शन नहीं रहता, डायरेक्ट हार्ट से ब्लड निकला तो बड़ी वेसल्स में गया, और वेसल से डायरेक्ट जैसे नाली से आपका नाली से पानी गिरता है, वैसे इनका जो वेसल्स हैं इनसे जो ब्लड है वो गिर के साइनस में चला गया। साइनस क्या, अगर कोई पूछे साइनस क्या है या एग्जाम में आया, तो साइनस जो होता है एम्प्टी स्पेस होते हैं, खाली जगह होती है, ठीक है। इसमें कुछ ऑर्गन्स होंगे, उन्हीं ऑर्गन के ऊपर जाकर ब्लड गिर जाएगा, बस खत्म काम। ये सिंपल सा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोगों में पाया जाता है, इसमें ब्लड फ्लोज इन क्लोज नेटवर्क ऑफ वेसल्स, यानी इसमें क्लोज नेटवर्क होता है, कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि बाहर किसी एम्प्टी स्पेस में ब्लड चला जाए, ऐसा नहीं होता है। नेटवर्क होता है पूरे क्लोज वेसल का, और उसी में ब्लड घूमता रहेगा, ठीक है। तो कई सारी पाइप होती हैं जैसे हम आर्टरी, वीन, कैपिलरी कहते हैं, और उन्हीं में ब्लड घूमता रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो किसी स्पेस में जाके डायरेक्ट भर दिया जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक। तो इसको कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ज्यादा विकसित जानवरों में पाया जाता है, जैसे ह्यूमंस, ह्यूमंस भी जानवर ही होते हैं ना, तो हम लोग में भी ये पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पढ़ना है फिश। फिशेज जो होती है इनमें दो चैम्बर पाए जाते हैं हार्ट में, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, और इसको कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। तो फिश में टू चैम्बर हार्ट होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, ये चीज याद रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। एम्फीबियंस और रिप्टाइल्स में थ्री चैम्बर हार्ट पाया जाता है, थ्री चैम्बर में दो एट्रिया होंगे और एक वेंट्रिकल, टोटल तीन चैम्बर हो गए, और इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहाँ पाया जाता है, एम्फीबियंस और रिप्टाइल्स में। अब रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल भी आता है, लेकिन क्रोकोडाइल जो होता है उसमें फोर चैम्बर हार्ट होता है, तो इसको एनसीईआरटी ने इस जगह पर लिखा है। क्रोकोडाइल बर्ड्स और मैमल्स में फोर चैम्बर हार्ट पाया जाता है, इसमें दो एट्रिया होते हैं और दो वेंट्रिकल, ठीक। हम लोग में भी फोर चैम्बर होता है क्योंकि हम मैमल हैं, तो हम लोग में दो एट्रिया पाए जाते हैं, दो वेंट्रिकल पाए जाते हैं, और इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक। तो सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है फिश में, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, और डबल सर्कुलेशन क्रोकोडाइल बर्ड और मैमल्स में पाया जाता है। तो यही चीज नीट में पूछी जाती है कि सिंगल सर्कुलेशन कहाँ है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहाँ है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आते हैं पहले पहले हार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हार्ट का सेक्शन है और काफी तगड़ा सेक्शन है ये, काफी अच्छे तरीके से, मतलब इतनी छोटी जगहों में आपको पूरा हार्ट समझ में आ जाएगा। मैंने काफी मतलब काफी सजा के बनाया भी है पहली बार इसको, मैं मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था पता नहीं कैसे, तो ये हार्ट लिखा है बेसिकली, ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा। तो हार्ट जो होता है एक मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। मीजोडर्म मतलब हमारे जो जर्म लेयर्स होती हैं, तीन तरह की जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो मीजोडर्मली डिराइव्ड होता है, यानी मीजोडर्म से बना होता है हार्ट, ठीक। हार्ट की कवरिंग जो होती है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं, ये टू लेयर्ड कवरिंग होती है, दो लेयर की कवरिंग होती है, ठीक। वॉल ऑफ वेंट्रिकल आर थिकर देन एट्रिया। अच्छा, इसमें दो एट्रियम पाए जाते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और दो वेंट्रिकल पाए जाते हैं। जो वेंट्रिकल्स होते हैं इनकी वॉल्स जो होती हैं, ये जो दीवारें हैं वेंट्रिकल की, ये थिक होती हैं, मोटी होती हैं, ठीक है, एट्रिया कंपेरिजन में। अच्छा, इस फिगर से आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो एट्रिया होते हैं वो छोटे होते हैं, वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक। ये चीज तो सामने दिख रहा होगा आपको, ठीक है, बना हुआ। अब लेफ्ट साइड हैज ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाइल डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन राइट चैम्बर्स। जो लेफ्ट चैम्बर्स होते हैं इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो राइट वाले होते हैं इनमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इस फिगर पे, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको थोड़ा जूम करके समझो। तो ये ऊपर के दोनों चैम्बर है इसे एट्रियम कहते हैं, नीचे के चैम्बर जो होते हैं इन्हें वेंट्रिकल कहते हैं। जो जैसे अगर आप हाथ आगे करेंगे तो ये मेरा राइट हैंड है, तो आप कहेंगे ये राइट होना चाहिए, ये राइट होना चाहिए, ये वाला लेफ्ट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली हम हार्ट को
उल्टे तरीके से पढ़ते हैं। हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमारे सामने कोई आदमी खड़ा है और उसका हार्ट पढ़ रहा है, तो जो मेरा राइट होता है उसका लेफ्ट होता है, तो इसी वजह से जो ये वाली साइड होती है इसको हम लेफ्ट मानते हैं, जबकि ये वाली साइड इसको राइट मानते हैं। ठीक, अगर नॉर्मल जिंदगी में आप देखेंगे तो आप इसको बोलेंगे कि ये वाला राइट है, ये लेफ्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हार्ट हमेशा हमें इसी तरीके से पढ़ना है, इधर लेफ्ट वाला साइड, इधर राइट वाला साइड। ठीक, तो ये ठीक है, ये आर्ट्रिया है जो कि छोटे होते हैं, ये वेंट्रिकल्स है जो कि बड़े होते हैं। ठीक, अब लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया के बीच में ये एक दीवार है, इस दीवार को हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक, इंटर एट्रियल मतलब इंटर मतलब बीच में, एट्रियल मतलब एट्रिया के, तो लेफ्ट और राइट एट्रिया के बीच में सेप्टम है, एक दीवार है। ठीक, अब एक और सेप्टम है यहाँ पे, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम है, इसे क्या कहेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब इंटर मतलब बीच में, वेंट्रिकल्स के बीच में, तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया। ठीक, अब यहाँ पे ये जो रेड वाली दीवार है, ये वाली, ये किसको अट्रैक्ट करती है, ये रेड वाली दीवार यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये पूरे एट्रियम को पूरे वेंट्रिकल से अलग अलग करती है, तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिकल मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में। ठीक, ये पूरी दीवार यहाँ से यहाँ तक है, ये वेंट्रिकल को अलग कर रही है एट्रिया से। ठीक, तो इसे एट्रियो वेंट्रिकल, तो दीवारें आपको समझ में आ गई होंगी बहुत आसानी से। अब लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये दो छेद हैं, इसको हम कहते हैं बाइकप्सिड या फिर मिट्रल वॉल्व। ठीक, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल बीच में ये तीन छेद हैं जिसको मैं लिखना भूल गया हूँ, और इसको कहते हैं, ब्लू पेन से लिखते हैं, ये समझना चाहिए, ये जो जैसे इधर तो आपको बाइकप्सिड ट्राइकप्सिड मिल गए क्योंकि दो छेद हैं, ये तीन छेद हैं, तो इसको हम लिखते हैं, कोई पेन नहीं चलती है, इसको हम कहते हैं ट्राई कप्सिड वॉल्व, ट्राई कप्सिड वॉल्व। ठीक, तो ये भी मतलब देखने में ही आपको पता चल जा रहा है, फिगर देखिए, फिगर कितना इंपॉर्टेंट है, फिगर से सारी चीज आपको समझ में आ जा रही है। दो छेद हैं लेफ्ट वाले साइड में तो बाइकप्सिड मिट्रल वॉल्व, राइट साइड में तीन छेद है ट्राई कप्सिड वॉल्व कहेंगे इसको। ठीक, अब नीचे यहां पे एक छेद है, यहां पे छेद है, इन दोनों को कहते हैं हम सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, वॉल्व क्या होते हैं, दरवाजे होते हैं। ठीक है, हार्ट को मतलब ब्लड को फ्लो करने के लिए और रोकने के लिए यूज होते हैं, जैसे ये इस तरह से होते हैं, ऐसा दरवाजा होता है। ठीक है, तो जैसे ये पेन, ये मान लीजिए ये एक नली है, तो इस पे एक ऐसा दरवाजा लगा होता है, ये दरवाजा ऐसे बंद होता है, ऐसे खुलता है, ऐसे बंद होता है, इसको कहते हैं वॉल्व। ठीक है, तो ये फिगर आपको, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम आते हैं इधर नोडल टिश्यू पे, जो नोडल टिश्यू होता है ये पूरे हार्ट में फैले होते हैं, ये ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, ऑटो एक्साइटेबल मतलब खुद से एक्साइट होते हैं। ठीक है, इनके लिए हमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप एक्साइट हो सकते हैं। दो तरह के होते हैं, साइनो एट्रियल नोड जिसको कहते हैं एसए नोड, काफी ज्यादा फेमस है, दूसरा एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड जिसे कहते हैं एवी नोड। ठीक है, अब जो एसए नोड होता है इसे हम पेस मेकर कहते हैं, पेस मेकर, पेस मतलब होता है समझ लीजिए रेस करना या फिर किसी के साथ चलना, इसको कहते हैं पेस। तो पेस मेकर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, 70 से 75 बार 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में ये 70 से 75 बार एक्साइट हो सकता है, तो इसी वजह से इसको हम पेस मेकर कहते हैं। एवी नोड जो होते हैं ये काफी कम एक्साइट हो सकते हैं, और इसका डेटा नहीं दिया एनसीआरटी में, ठीक, तो आपको याद भी नहीं रखना, इसको एवी नोड कहते हैं। ये एवी नोड जो होता है परकिंजे फाइबर्स इसी से एराइज करते हैं, एवी नोड से। ठीक है, तो परकिंजे फाइबर्स एराइज फ्रॉम हेयर, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया नोडल टिश्यू। ठीक, तो हार्ट के बारे में आप इसी इतने फिगर में सारी चीजें समझ गए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, मोबाइल थोड़ा हिल रही होगी उसके लिए देख लीजिएगा, और क्या, डायस्टोल, अच्छा कार्डियक साइकिल है, हाँ कार्डियक साइकिल हम पढ़ते हैं, तो कार्डियक साइकिल दो वर्ड के मतलब पता होना चाहिए आपको, डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्सेशन, सिस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। कार्डियक साइकिल में चार स्टेप होते हैं, पहला स्टेप होता है ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल हम कहते हैं सारे चैम्बर जो है, ये हमारा हार्ट है, सारे चैम्बर जब रिलैक्स हों तो उसको हम कहते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। ठीक, तो पहला स्टेप है ज्वाइंट डायस्टोल, दूसरा स्टेप है एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल जब होता है तो इंक्रीज ब्लड फ्लो बाय 30%, तो ब्लड जो होता है वो 30% बढ़ जाता है, जो ब्लड का फ्लो होता है, तो इसी, तो एट्रियल सिस्टोल में ब्लड का फ्लो 30% बढ़ जाता है, ये ध्यान रखिए। तीसरा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल या फिर एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल एक साथ ही होते हैं, तो तीसरे स्टेप में आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं या फिर दोनों लिख सकते हैं। ठीक,
चौथा है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, चौथा वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो हमारे रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है, डायस्टोल मतलब रिलैक्स हो जाना। तो ये हो गया हमारा कार्डियक साइकिल, इसमें चार ही स्टेप होते हैं जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि इतना आसान होता है टॉपिक, ये टॉपिक काफ़ी बड़ा काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन अगर उस तरह का मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे 2 घंटे लग जाएंगे इसी को पढ़ाने में, दो नहीं फिर भी 1 ही घंटे, 1 घंटे मान लीजिए, 1 घंटे लग जाएंगे इसे पढ़ाने में, तो फिर रिविजन या फिर माइंड मैप का फायदा ही क्या है, ठीक है। तो ये इस टाइप के टॉपिक्स अगर आपको पूरी डिटेल में पढ़ने हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, तो फिर मैं बनाता हूँ उस पर वीडियोज, ठीक है, डिटेल्ड वीडियोज। एक्चुअली मेरे पास अभी कुछ मतलब कुछ सेटअप की कमी है, इसी वजह से मैं उस टाइप की वीडियोस बनाता नहीं हूँ जो कि लंबे हो, ठीक है। मैं वीडियोस को जितने शॉर्ट करना चाहूँ उतना शॉर्ट करता हूँ, जितना शॉर्ट हो सके, जैसे कि वीडियो आसानी से अपलोड हो जाए और आसानी से बन जाए, क्योंकि ये 2 GB RAM वाली मोबाइल है, ये ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं करती है बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से। तो कार्डियक साइकिल जो है टॉपिक काफ़ी अच्छा है, बड़ा है, लेकिन इसको यहाँ पे आपको इतना जरूर याद होना चाहिए, इसी वजह से मैंने इतना लिखा है कि इतना तो याद होना ही चाहिए। अगर आप आखिरी दिन, जैसे कल एग्जाम है, तो आज आपको इतना पता होना चाहिए, बाकी इसके बारे में कुछ पता हो चाहे ना हो, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आया तो रटना जरूर, ठीक है, रट लेना, तो इतना आपको याद होना चाहिए। कार्डियक साइकिल की जो ड्यूरेशन होती है लगभग 0.8 सेकंड होती है, और एक कार्डियक साइकिल में ईच वेंट्रिकल पंप्स 70 ml ब्लड, हर एक कार्डियक साइकिल में एक वेंट्रिकल जो होता है वो 70 ml ब्लड पंप करता है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये ध्यान रखिएगा कि 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, 70 ml होता है, ये NCERT मतलब उसमें नीट में पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक कार्डियक साइकिल के दौरान एक वेंट्रिकल जो होता है वो 70 ml ब्लड पंप करता है, इसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो ये दूसरा पेज था हमारा, ठीक है, दूसरा पेज था हमारे तीसरे पेज पर। तो ये है हमारा थर्ड पेज, जिसमें हमें मतलब आखिरी की सारी चीजें पढ़नी है। तो शुरुआत करेंगे कार्डियक आउटपुट से। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था, 70 ml, अभी आपने देखा। हार्ट रेट कितना होता है, हार्ट रेट मतलब बीट पर मिनट। तो हमारा हार्ट रेट जो होता है लगभग 72 होता है, कि हेल्दी पर्सन अगर हो, एक ठीक ठाक हेल्दी पर्सन हो, तो हेल्दी इंसान हो, तो उसका हार्ट रेट जो होता है वो लगभग 72 बार दिल धड़कता है 1 मिनट में, ठीक, तो लगभग 72 होता है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 5000 ml आएगा, 5000 ml मतलब 5 लीटर। तो कार्डियक आउटपुट हमारा क्या होता है, 5 लीटर होता है। तो ये बेसिकली यहाँ से यहाँ पे आपको याद रखना है, कार्डियक आउटपुट 5 लीटर होता है, ठीक। कैसे निकालना है ये भी याद रखना है, पूरा फॉर्मूला नेट में पूछा जा सकता है, ठीक, इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा, हर एक कार्डियक साइकिल के दौरान, या फिर कह लीजिए हार्ट बीट के दौरान, हमारा जो हार्ट है वो साउंड प्रोड्यूस करता है, पहला साउंड होता है लब, दूसरा होता है डब। जो लब साउंड होता है ये क्लोजर ऑफ बाइकप्सिड या फिर ट्राइकप्सिड वाल्व, जो बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड वाल्व होते हैं जब ये बंद होते हैं तो साउंड आता है लब का। जो दूसरा साउंड डब का होता है ये सेमी लूनर वाल्व के क्लोज होने पे आता है, ठीक है, सेमी लूनर वाल्व क्लोज, जब सेमी लूनर वाल्व क्लोज होते हैं तो डब साउंड होता है, ठीक। तो ये दोनों साउंड आपको पता होने चाहिए। अब आते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG पे, ठीक। ECG क्या होती है, स्टैंडर्ड ECG होती है, उसमें 3 लीड लगाए जाते हैं, एक टू वन टू ईच रिस्ट, यानी दो तो यहाँ पे हो गए, एक इस जगह पे और एक दूसरे हाथ में इस जगह पे, 2 लीड यहाँ पे लगाई जा सकती हैं, और तीसरी जो होती है लेफ्ट एंकल पे, लेफ्ट एंकल पे लगाई जाती है, ठीक। तो स्टैंडर्ड ECG होती है वो 3 लीड लगाई जाती है, लीड मतलब एक तरह के तार होते हैं, आपने मूवीज में देखा होगा ये चीज। तो जो अच्छा, और भी काफी सारी लीड लगाई जा सकती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड ECG है उसकी बात हो रही है, उसमें 3 लीड लगाई जाती है, ठीक। अब जो कंप्यूटर होता है वो कुछ इस तरह का ग्राफ शो करता है, इसमें जो पी वेव है, QRS वेव है और टी वेव है, इनको बताना चाहिए आपको। जो पी वेव है ये दिखाता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, QRS जो है ये दिखाता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और T जो है वो दिखाता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो ये जो सीक्वेंस है ये ध्यान रखिएगा कि पहले P आता है, फिर QRS, फिर T आता है। शुरू में दोनों डीपोलराइजेशन है, तो आखिरी वाला रीपोलराइजेशन है, और डीपोलराइजेशन एट्रैक हुआ है, जबकि डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल का हुआ है, और रीपोलराइजेशन जो है वो भी वेंट्रिकल का हुआ है। तो ये सीक्वेंस अगर आप याद रखेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा इसको याद रखना, ठीक। तो तीनों वेव के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ECG जो है इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ अलग चीज है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अलग चीज है, ठीक है। ECG का दोनों फुल फॉर्म सही है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी सही है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी सही है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा।
अब आते हैं रेगुलेशन पे। अच्छा रेगुलेशन नहीं, पहले आते हैं डबल सर्कुलेशन पे। डबल सर्कुलेशन तो अब हम पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन को इस सिंपल फिगर के थ्रू आप समझ सकते हैं, थोड़ा आसानी होगी इसको ध्यान में रखने में। ठीक, तो यहाँ शुरू करते हैं हम लंग्स से। इसमें डबल सर्कुलेशन में तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, लंग्स, हार्ट और पूरी बॉडी के जो टिश्यू और ऑर्गन है वो यहाँ पे हैं। ठीक, तो शुरुआत करते हैं लंग्स से। लंग्स जो होता है उसके पास ऑक्सीजन होती है, तो वो ब्लड में ऑक्सीजन मिला देता है। जब ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाती है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लंग्स क्या करेगा, ऑक्सीजन मिला देगा ब्लड में, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा यहाँ से लंग्स से होते हुए पल्मोनरी वेंस के थ्रू हार्ट में आएगा। अब हार्ट क्या करेगा, उस जो ब्लड आएगा हार्ट के पास लंग्स से, उसको धक्का देगा ताकि वो पूरे टिश्यूज़ और ऑर्गन में पहुँच जाए। तो सबसे पहले लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेंस के थ्रू हार्ट में आया, हार्ट ने उसी ब्लड को धक्का दिया और ऑर्टा में भेज दिया। ऑर्टा से वो पूरे टिश्यूज़ के पास जाएगा, पूरी बॉडी में जितने भी टिश्यूज़ ऑर्गन जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनके पास जाएगा। अब वो टिश्यू ऑर्गन क्या करेंगे, ऑक्सीजन की जरूरत है उनको, वो ऑक्सीजन ले लेंगे। अब ब्लड में ऑक्सीजन नहीं रह गई तो उसे हम क्या कहेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, अब टिश्यू से जो ब्लड निकलेगा ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा से होते हुए हार्ट में जाएगा। अब हार्ट इसको फिर से धक्का देगा और ये लंग्स तक जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो ठीक, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दो बार हो रहा है सर्कुलेशन। एक तो हमारा सर्कुलेशन ये हो रहा है लंग्स से हार्ट, फिर हार्ट से लंग्स। ठीक, ये एक पूरा ऊपर का पार्ट हो गया। एक सर्कुलेशन यहाँ हो रहा है हार्ट से टिश्यूज, फिर टिश्यूज से हार्ट। ठीक, तो दो तरह के सर्कुलेशन हो रहे हैं। अब जो हार्ट से, हार्ट और लंग के बीच में सर्कुलेशन हो रहा है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक, जो पल्मोनरी वर्ड है वो हमारे लंग्स के लिए यूज किया जाता है, और आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे पल्मोनरी वेंस का यूज हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी का। ठीक, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में पल्मोनरी वेंस और आर्टरी का यूज होता है। ठीक, जो हार्ट और टिश्यू के बीच में सर्कुलेशन होता है उसे हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, जिसके थ्रू हमारे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। ठीक, और पूरी बॉडी में जो टिश्यूज हैं और लंग जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें सर्कुलेशन जो ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू होता है। ठीक, तो ये नीट में कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पल्मोनरी या सिस्टमिक, इन दोनों में से किस सर्कुलेशन के थ्रू हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचती है सारे ऑर्गन्स को, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू, ये आंसर होना चाहिए। ठीक, अब आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ये रखना है कि कौन सी वीन या आर्टरी कहाँ है। जैसे लंग्स से हार्ट में आने के लिए पल्मोनरी वीन चाहिए थी, हार्ट से टिश्यूज में जाने के लिए ऑर्टा, टिश्यूज से हार्ट में आने के लिए वेना केवा, और हार्ट से लंग्स में जाने के लिए पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पूरी लेफ्ट साइड जो है, ये पूरी लेफ्ट साइड है यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और ये पूरी जो साइड है ये राइट साइड है जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखिएगा जो वीन्स होती हैं नॉर्मली इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक, लेकिन पल्मोनरी वीन एक ऐसी वीन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक, बाकी कोई भी वीन होगी उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो ये ध्यान रखिएगा पल्मोनरी वीन एक अकेली वीन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखिएगा जितनी भी आर्टरी होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। ठीक, तो ये था ऑल अबाउट डबल सर्कुलेशन, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, टॉपिक एग्जाम में आ सकता है। ठीक, अब नीचे चलते हैं हम। ये एक्चुअली थोड़ा गलत हो गया था तो मुझे अलग से पेस्ट करना पड़ा यहाँ पे कागज। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आर्टरी और वेंस के बारे में। ठीक है, तो आर्टरी वेंस, आर्टरी और जो वेंस होती है इनमें मतलब ये एक तरह की पाइप होती है, और इस पाइप जो होती है तीन लेयर की बनी होती है पाइप। जो सबसे बाहरी वाली लेयर होती है इसे कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये एंडोथीलियम की लेयर होती है। जो मिडिल वाली लेयर होती है इसे कहते हैं ट्यूनिका मीडिया, ये स्मूथ मसल की बनी हुई होती है। और जो वीन्स होती हैं उसमें ट्यूनिका मीडिया थिन होती है, तो ये याद रखिएगा ट्यूनिका मीडिया इज थिन इन वीन्स, वीन्स में थिन होती है, और जो आर्टरीज होती हैं उसमें मोटी होगी। ठीक है, तो वीन्स में ट्यूनिका मीडिया थिन होती है, याद रखिएगा। सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है वो ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं उसे। ठीक, तो ये तीन लेयर याद रखिएगा। अब दो चीज और रखना है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम कहाँ से कहाँ तक होता है, बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लीवर की ओर जो पाया जाता है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है। ठीक, कोरोनरी सिस्टम, कोरोनरी सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है, ओनली फॉर हार्ट मसल्स। जो हार्ट मसल्स होती हैं, जैसे हार्ट जो होता है, ये हमारा हार्ट है, इसने सबको लंग ऑक्सीजन दिया, लंग्स को, टिश्यूज को, सबको दिया, लेकिन हार्ट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, तो हार्ट को अपने मसल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जो सिस्टम होता है वो था कोरोनरी सिस्टम। कोरोनरी सिस्टम क्या होता है, ओनली फॉर हार्ट मसल। हार्ट क्या करता है, कोरोनरी सिस्टम के द्वारा अपने मसल्स को, खुद का जो खर्चा होता है वो चलाता है, खुद के घर का खर्चा। ठीक है, ये होता है कोरोनरी सिस्टम। अब आते हैं रेगुलेशन पे। रेगुलेशन मतलब क्या होता है कि हार्ट किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है, हमारा सर्कुलेशन जो होता है वो किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है। पहली बात तो हार्ट मायोजेनिक होता है, मायोजेनिक मतलब सेल्फ रेगुलेटेड, तो हमारा हार्ट खुद से रेगुलेट होता है। दूसरी चीज,
हाँ, मेडुला में कुछ सेंटर पाए जाते हैं, यहाँ पे कोई नाम नहीं बताया गया कि कौन सा सेंटर। तो आपको यही याद रखना है कि मेडुला में जो सेंटर पाए जाते हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, यानी SNS, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज हार्ट रेट बाय सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, ठीक। तो मेडुला के द्वारा हार्ट रेट को इंक्रीज किया जाता है। पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी PNS जो होते हैं ये डिक्रीज हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को कम करते हैं, ठीक। तीसरा एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल मेडुला से कौन से हार्मोन निकलते हैं, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, और ये दोनों इंक्रीज करते हैं हार्ट रेट को। तो ये तीन रेगुलेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे, अच्छा ये लंबा हो गया है, तो पहले आधा आधा पढ़ते हैं, पहले यहाँ डिसऑर्डर्स। अच्छा यहाँ पे मैंने मतलब काफी छोटा लिख दिया है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी बड़ा लिखता मैं तो एक और पेज यूज करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि पेज की कमी है, पेज तो अभी है मेरे पास, लेकिन फिर आपको तीन पेज पढ़ने पड़ते हैं तो उसमें दिक्कत होती है, ठीक है। दो ही पेज में मैंने खत्म, मतलब चार पेज पढ़ने पड़ते हैं तो तीन ही पेज में मैंने खत्म कर दिया आपको। तो जो डिसऑर्डर्स हैं, पहला है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जिसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, हाई BP मैंने लिख दिया है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, ये अगर 140/90 या फिर इससे ज्यादा हो जाए, 140/90 और हाई है, तो इसे कहते हैं हाइपरटेंशन, ठीक, ध्यान रखिएगा। दूसरा कोरोनरी आर्टरी डिसीज CAD, इसी को आर्थेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है। तो CAD को ही आर्थेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। क्या करती है ये, इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा। हाँ, तो ये क्या करती है, एफेक्ट वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू हार्ट। तो ये उस वेसल को अफेक्ट कर देती है जो कि ब्लड हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आर्टरीज जो होती हैं ये नैरो हो जाती हैं, मतलब आर्टरीज जो होती है, मान लीजिए आर्टरीज पहले इतनी मोटी थी, आर्टरीज इतना जगह था, अब वो छोटी हो गई, इतनी जगह बच गई आर्टरीज में, तो आर्टरीज नैरो हो जाती है, ल्यूमेन जो होता है उनका छोटा हो जाता है, ड्यू टू डिपोजिट ऑफ कैल्शियम फैट कोलेस्ट्रॉल एंड फाइबर टिश्यू। क्या क्या डिपोजिट हो सकते हैं, कैल्शियम फैट कोलेस्ट्रॉल और फाइबर टिश्यू, इन सबके डिपोजिशन की वजह से, ठीक। तो ये हो गया कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अगला है एंजीना पेक्टोरिस, इसको कभी कभी सिर्फ एंजीना भी लिख देते हैं, ठीक। एंजीना पेक्टोरिस क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन, बहुत ही तेजी से चेस्ट में पेन होता है, क्यों होता है, एनफ ऑक्सीजन डजंट रीच हार्ट, क्योंकि मतलब जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है हार्ट को उतनी ऑक्सीजन हार्ट में पहुंचती नहीं है, तो हार्ट जो होता है उसमें पेन बहुत तेज से होता है, इसको कहते हैं एंजीना पेक्टोरिस। चौथा हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर में कहता है हार्ट कांट पंप ब्लड इफेक्टिवली, हार्ट जो होता है अच्छे से हार्ट अपना काम नहीं कर पाता, बेसिकली जो ब्लड है उसको अच्छे से पंप नहीं कर पाता है, इफेक्टिवली मतलब जितना चाहिए उतना नहीं कर पाता है, ठीक। और इसमें सबसे पहले काम क्या होता है, कंजेशन ऑफ लंग्स, लंग्स जो होती हैं वो कंजेशन हो जाता है उनका, मतलब वो सिकुड़ जाती हैं या कह लीजिए कोलैप्स कर जाती हैं, तो हार्ट फेल्योर के थ्रू के दौरान कंजेशन ऑफ लंग्स होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नीट में आ सकता है ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से। पचवा है कार्डियक अरेस्ट, इसमें हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, हार्ट बीट करना ही छोड़ देता है, ठीक, इसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। चौथा छठवां है हार्ट अटैक, जिसके बारे में हम लोगों ने सबसे ज्यादा सुना है। तो हार्ट अटैक में कहता है हार्ट मसल इज डैमेज ड्यू टू लो ब्लड सप्लाई, लो ब्लड सप्लाई की वजह से हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो डैमेज कर जाती हैं, तो उससे उसे हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक। तो ये डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, ठीक, ये डिसऑर्डर्स हैं। तो ये चीज आपको, तीसरा पेज हो गया, तो मतलब खत्म हो गया, ठीक है, तीन पेज था, ये दूसरा पेज और ये पहला पेज, ठीक। तो तीनों पेज हमने पढ़ लिया, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, हर चीज एकदम अच्छे से पढ़ी है, ठीक। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जब शेयर होता है कमेंट आते हैं तभी वीडियो बनाने का मन करता है, नहीं तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।